वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ और आज आपको बिहार के अरवल जिला के करपी एक छोटा सा गांव है जिसे मैं आज घूमने वाला हूं और वहां का नेचुरल ब्यूटी दिखाने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहिए, लेट्स गो। देख सकते हैं जहानाबाद का टीचर हैं और वो नवीन सर करपी के छोटे से गांव में अपना एक स्कूल खोले हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं ये है इमामगंज रोड जो करपी की ओर जाती है। सो देख सकते हैं ये है करपी का नेचुरल ब्यूटी। यह रोड नेशनल हाईवे 83 जहानाबाद का जो रोड है उसको भी फेल करता है। सो देखिए सकते हैं करपी का ये पावर ग्रिड है जो पूरे करपी को बिजली सप्लाई देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। सो देख सकते हैं, आपको करीब से दिखाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल दिखाने वाले हैं जिसका नाम SJP इंटरनेशनल स्कूल है। करपी के बहुत ही अच्छे स्कूल हैं। तो देखिए इसका बोर्ड देख सकते हैं। तो चलिए इस स्कूल को आपको दिखाते हैं। करपी का बहुत ही शानदार सा स्कूल है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं SJP इंटरनेशनल स्कूल जो करपी में स्थित है। बहुत ही अच्छा स्कूल है, देख सकते हैं इसका बोर्ड। वही रोड पे पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं हम लोग करपी में अंदर आ चुके हैं। करपी के यहाँ का सबसे खास बात है कि यहाँ आपको सबसे ज्यादा पेड़ देखने को मिल जाएगा। करपी का पेट्रोल टंकी भारत पेट्रोलियम।
यहाँ पे कुछ लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाते हुए। सो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कर्पी का कॉलेज है सहदेव प्रसाद यादव कॉलेज कर्पी। कर्पी भले ही एक छोटा सा गांव है बट यहां बड़े बड़े शहर को पीछे छोड़ देता है। देख सकते हैं यहां साफ सफाई और यहां आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगा गाइस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो गाइस कॉलेज से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और देखिए फिर से यहां रोड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको जरा सा भी कहीं भी परेशानी नहीं नजर आएगा। स्वास्थ्य केंद्र कर्पी, चलिए आपको यहाँ के वो सैर कराते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्कूल के बस भी लगे हुए होते हैं। छोटे से हॉस्पिटल में हम अंदर आ चुके हैं तो अंदर का आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस ये कर्पी का सरकारी अस्पताल है। देख सकते हैं यहाँ भी साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ। चुके हैं कर्पी के ब्लॉक के पास, बोर्ड देख सकते हैं आप। तो आइए आपको कर्पी के छोटे से ब्लॉक को दिखाते हैं। तो उधर हम लोग जाने वाले हैं, तो आइए आप लोगों को फील्ड दिखाते हैं।
गाइस ये करपी फील्ड है और देख सकते हैं यहाँ पे एक बिहार पुलिस की तैयारी के लिए कुछ गद्दा वगैरह रखा हुआ है और ये है करपी फील्ड, देख सकते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं करपी बाजार की तरफ, बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं गाइस करपी का बोर्ड लगा हुआ है। गाइस ये करपी का छोटा सा मंदिर है, महावीर मंदिर। और स्कूल लोटस वैल्यू पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, आपको यहाँ जगह जगह पे स्कूल कॉलेज और कोचिंग मिल जाएंगे देखने को। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक त्रिशा कोचिंग है। हम लोग करपी स्कूल के पास पहुंच चुके हैं जो बाजार की ओर रास्ता जाता है। सो गाइस करपी के स्कूल के पास पहुंच चुके हैं जो 1949 में स्थापित हुआ था, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। गाइस करपी का मंदिर है ये, बहुत ही खूबसूरत मंदिर देख सकते हैं। देख सकते हैं ये करपी बाजार है।
करपी कुर्था रोड एंड मखलीलपुर भी इधर से जाया जा सकता है। सो गाइज इधर का एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जो कुछ साल पहले खुला है, तो गाइज आपको वो दिखाने वाले हैं। एक छोटा सा स्कूल है जो आपको दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल है, अभी कुछ साल पहले ही खुला है। तो देखिए हम देख सकते हैं गुरुकुल ए वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, या किडजी से देख सकते हैं एक क्लास तक यहाँ क्लास उपलब्ध है। ये करपी का बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। देख सकते हैं ये है करपी का जो बस स्टैंड जाती है रोड। देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टैंड में बैठने के लिए ठहराव बनाया गया है, बहुत अच्छा है बैठने के लिए। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ सब लाइन से मिल जाएंगी। बस वगैरह सब टाइमिंग पे है, सब टाइम पे आती है। चलो गाइस ये लकड़ी का पुल बनाया गया है मंदिर की तरफ जाने के लिए, सो अभी हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। मैं पहुंच चुका हूं देवी स्थान, करपी मंदिर है जो, तो आइए आपको अंदर से कुछ दिखाते हैं कैसा है। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये भी, यहां आपको जगह जगह पे मंदिर पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट स्कूल बहुत सारे मिल जाएंगे। सो गाइज दिखाते हैं, चलिए। इस गेट लॉक है अभी, तो कुछ देर के लिए गेट को खोल देते हैं।
ये हवन कुंड है इस मंदिर का। यहाँ पे हवन हवन वगैरह ये सब होती है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे भी छोटे छोटे भगवान हैं जगह जगह पे। यहाँ पेड़ को भगवान माना जाता है। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे भी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं माताएं की। और ये कुआं है यहाँ का, जिससे भी पूजा किया जाता है, और यहाँ से पानी निकाल के माता को स्नान कराया जाता है। सो गाइस काफ़ी गहरा है। तो गाइज़ करपी के इस देवी स्थान को आप देख चुके हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे मंदिर हैं यहाँ, जो भी रहना भी चाहिए मंदिर और गांव में। सो गाइज़ आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ का और मंदिर। तो गाइज़ मुझे गेट बंद कर देना चाहिए। करपी में यह स्थित है और ये बाज़ार से थोड़ी ही दूर पे, जिसे नहर बोला जाता है, करपी नहर, यहाँ पे मस्जिद है। बहुत ही अच्छा मस्जिद है यहाँ भी। तो गाइस अभी हम लोग करपीटी की तरफ जा रहे हैं, देखिए। ये करपीडीह में स्थित मंदिर जगदम्बा स्थान है। तो आगे जाके मंदिर है, दिखाते हैं आपको अच्छे से। ये है जगदम्बा स्थान, देख सकते हैं करपीडीह में स्थित। देख सकते हैं जगदम्बा स्थान में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। अभी हम लोग सूर्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि करपी के लगभग आपको सारे जगह को दिखा दें, काफी बड़ा है।
गाइस करपी के सूर्य मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो आइए आपको एक एक देख सकते हैं। यहाँ पे करपी टोला आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ का नज़ारा देखिए गाइस। आपको यहाँ शहर की तरह बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो नहीं, बट बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। गाइज, सरदार वल्लभ भाई पटेल ITI है, देख सकते हैं। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कार्स वगैरह चलाने के लिए। तो गाइज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, इंडिया का झंडा बनाया गया है इस पे। तो गाइज अभी तो शायद ट्रेनिंग के लिए गया है कार। गाइज यहीं से आप बुकिंग करवा सकते हैं, अपना एडमिशन करवा के कार सीख सकते हैं। गाइस हम लोग अभी सतीय स्थान जा रहे हैं। यह है सतीय स्थान, काफी पुराना मंदिर है, इसे भी बनाया जाएगा बहुत जल्द ही। तो ये था सतीय स्थान, करपी का लास्ट है मंदिर। और इधर से फिर एक शेरपुर रोड जाता है जो एक गांव है इधर। तो गाइस उधर करपी में नहीं आता है, तो आपको यहीं तक। आगे कमेंट करें वीडियो में कि आपको कौन सा जगह देखना है, तो उस पर ब्लॉग बनाते हैं। तब तक के लिए बाय।